नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों अभी अभी NIS का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा के लिए। तो आप अगर NIS का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो लिंक है hdmis.nis.ac.in इन वेबसाइट पे जाके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए आपको रिजल्ट में जाना है, सॉरी एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट में जाना है और यहाँ पे रिजल्ट में जाना है। और यहाँ पे एक गड़बड़ है कि चेक रिजल्ट अक्टूबर नवंबर 2018, यहाँ पे 19 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, आपको इस पे ही क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ आप यहाँ देखेंगे कि पब्लिक एग्ज़ाम रिजल्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी अक्टूबर नवंबर 2019 डिक्लेयर्ड, यानी कि डिक्लेयर्ड हो चुका है। आप आराम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। क्लिक रिजल्ट पे आप क्लिक कीजिए और अपना यहाँ पे रोल नंबर डालिए। रोल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालिए। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सबमिट कीजिए, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट का 7 सब्जेक्ट था, 7 सब्जेक्ट में ये 5 सब्जेक्ट में पास हो गया है और केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में पास नहीं है। तो ये पास है क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट में पास है, इसमें 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है। और इसने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज लिया है तो दोनों में पास है, तो यह पास है। मान लो अगर आपने 3 लैंग्वेज ले लिए होते और 5 5 सब्जेक्ट लैंग्वेज को मिलाकर होता तो फिर आपका रिजल्ट पास नहीं होता। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में यहाँ पे जो रिजल्ट में जो लिखा हुआ है SYCT, इसका मतलब क्या है इनके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार का कोड है। तो इन कोड के बारे में एक एक करके जानते हैं ये कोड क्या हमें बताना चाहता है। तो चलिए, सबसे पहला है P, जो कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा रिजल्ट में, जिसमें हम पास हैं उसमें पी लिखा होता है। तो पी का अर्थ है पास, आप पास हो चुके हैं, इसीलिए इसको पी से इंडिकेट कर रहा है। अब दूसरा है AB, मतलब अब्सेंट। अगर आपने थ्योरी एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया है या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया है, दोनों में से कोई भी अगर एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया है या दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया है तो आपका अब्सेंट आ जाएगा। तीसरा है SYC, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड। इसका अर्थ है विषय में उत्तीर्ण होना बाकी है, यानी कि आप पास नहीं हुए हैं, अभी पास होना बाकी है। और तीसरा है SYCT, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, जिसका अर्थ है सैद्धांतिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना बाकी है। आप थ्योरी में पास नहीं है, आपको थ्योरी दोबारा देना पड़ेगा, थ्योरी में आप फेल हैं। SYCP लास्ट है, SYCP इसका अर्थ है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन प्रैक्टिकल, प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना बाकी है। आपने प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, इसीलिए SYCP लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा देना होगा।